तो हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे अगले गेम प्ले वीडियो में। और आज हम खेलने वाले हैं GTA 5। दोस्तों, आपको याद होगा हमारे पिछले एपिसोड में ट्रेवर और माइकल की बहुत लड़ाई हुई थी और ट्रेवर चला गया था ल्यूडनड्रॉफ नॉर्थ यॉन्गटन सिटी में, जहां पर माइकल का ग्रेव था। और वहां पर उसने फिर सर्च किया माइकल के ग्रेव में किसकी बॉडी पड़ी है, तो वहां चला पता कि वहां पे ब्रेड की बॉडी है। तो ब्रेड जो था वो माइकल और ट्रेवर का दोस्त था, जो कि बैंक रॉबरी में साथ में था। तो अभी ट्रेवर और माइकल में एक तरह से दुश्मनी हो रखी है, बैठती नहीं है। तो वही अभी पैट्रिशिया का भी कॉल आया और उसने अभी ट्रेवर से बात किया और उसने पूछा कि सब लोग कहाँ पर हैं, सारे फ्रेंड्स वगैरह। तो ट्रेवर ने बताया कि उसका माइकल से थोड़ा सा अभी लिंक लिंक नहीं है और वो लोग फ्रेंड्स नहीं हैं। तो पेट्रिशन ने बताया कि ऐसा नहीं होता, जो जो दोस्ती रहती है पहली, वो हमेशा बरकरार रहती है। कुछ हद तक बात सही भी है। खैर, तो अभी फटाफट से चलते हैं डेविन के मिशन पे, क्योंकि जब हम लोग नॉर्थ यॉन्गटन सिटी से वापस लॉस सेंटोस आ रहे थे, तो उस समय लेमर का हमारे पास में मैसेज आया था कि एक जगह पर उसने बुलाया था कि वहाँ पर आना है और वहाँ से फिर गाड़ी वगैरह को हमको लेके जाना था। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आ चुके हैं, तो यहाँ पे कोई मुझे शो नहीं हो रहा कि कौन है यहाँ पर। तो चल के देखते हैं घर के अंदर, घर के बाउंड्री के अंदर, शायद यहाँ कोई हो। तो फिलहाल मैं, किसी ने गेट तो नहीं खोला, लेकिन लेमर का कॉल आ गया है यहाँ पे। तो लेमर का बोलना है कि फ्रैंकलिन जो है वो गाड़ी लेके आ रहा है, तुम ट्रक लेके आ जाओ, बाकी के जो भी व्हीकल्स वगैरह हैं सब उसमें ऑलरेडी लोडेड हैं, तुम लेके आ जाओ। फिर वहाँ पर माइकल, सॉरी, जो फ्रैंकलिन है वो गाड़ी को उसमें लोड कर देगा और फिर हम लोग वहाँ से जहाँ पे दिए हुए डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। वो डेस्टिनेशन हमको नहीं पता अभी, वो हमको बाद में मॉली या फिर जो जो डेविन है वो हमको बताएगा। तो अभी हम लोग आ गए हैं फ्रैंकलिन के पास में। तो फ्रैंकलिन अभी जा रहा है गाड़ी के लिए, तो सबसे पहले रेडियो ऑफ कर दिया है अभी। ठीक है, अभी चलते हैं गाड़ी लेने के लिए। तो लेमर ऑलरेडी गाड़ी लेके आ गया होगा। तो यहाँ पे एक टक्कर से खंबे टूट जाते हैं, बताओ। सही है। तो यहाँ से अभी नहीं, सीधा ही जाना है, सीधा ही जाना था मुझे, शायद इसके अंदर जाना है। थोड़ा और आगे है, ये रहा। ओके, तो यहाँ पर हमारा लेमर वेट कर रहा था और उसने ये गाड़ी लाई है। चल के देखते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा मैं ट्राई कर रहा था एक चीज़। अगर मैं यहाँ से इसको निकालूँ, खैर छोड़ो, कुछ दिमाग में आ रहा था कुछ स्टंट वगैरह करने का, लेकिन हो नहीं पाएगा तो छोड़ दिया मैंने। चलते हैं अभी गाड़ी पर, सीधा बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो अभी लेके जाने वाले हैं हम लोग डेविन के गैराज में, और वहाँ पे ट्रेवर ने ऑलरेडी सारी गाड़ियों को ट्रेलर पे लोड कर दिया होगा। लेकिन गाड़ी बहुत स्मूथ है, बहुत मस्त चल रही है। ओ, टक्कर लगी गई। खैर, चलो कोई नहीं,
लेकिन अब कोई टक्कर नहीं होने देनी है, बहुत ज़्यादा आराम से चलाना है। तो पास में हमारा गैराज आ चुका है, अभी वो रहा ट्रैवर का खड़ा है ट्रेलर, तो थोड़ा बैक करके और इस पे चढ़ा देते हैं गाड़ी। लोड हो जा हो जा हो जा बिना टच के। ओके हो गई। तो बहुत आराम से हम लोगों ने कर दिया है अभी गाड़ी को लोड ट्रेलर पे। तो अभी जो हमारा ड्रॉप ऑफ पॉइंट आया है वो यहाँ से काफ़ी दूर आया हुआ है। तो कोई नहीं, सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं इसमें। इसमें 6 गाड़ियाँ हैं, तो जितना डेविन ने कहा था उतनी सारी कार्स तो लोड हो चुकी हैं। अब शायद उनको पैसा मिल जाए, क्योंकि उसने कहा था कि पूरी गाड़ियां आने के बाद में मैं पैसा मिल जाएगा। तो क्या है कि थोड़ा सा धीरे से जाएंगे ताकि दिक्कत ना होने पाए, क्योंकि अगर एक बार ट्रेलर डी अटैच हो गया ट्रक से तो फिर दिक्कत होगा, तो उसको अटैच करने में बहुत दिक्कत होती है। काफ़ी बड़ा ट्रेलर है। Boy Frank didn't mention shit about that, and as a matter of fact, I don't even know the dude. But considering the mutual acquaintances we got, I would have liked an invite to the retirement party. There weren't no parties. No parties? I used the term retirement euphemistically. Homie, for a dude that kills dudes and eats dudes and fuck dudes, you talk fruits. It's unconfirmed. What's unconfirmed? The fact that you talk stupid, or the fact that you do some messed up shit, or where the other dudes at? तो गाड़ियों को ठोकते हुए हम लोग आगे जा रहे हैं। तो ट्रेवर एग्रेसिव बंदा है, तो काफ़ी एग्रेसिवली गाड़ी चलाता है, और इसके हाथ में तो अभी सीधा ट्रेलर ही है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है सामने। फिर भी जहाँ तक हो पाएगा पॉसिबल गाड़ियों को टक्कर नहीं मारेंगे, बचा लिया उसको। ताकि जो हमारी लोडेड गाड़ियाँ हैं वो भी ढनक ना जाएं, गिर ना जाएं ट्रेलर से, और अगर एक बार गिर गई तो बहुत दिक्कत होगा फिर। हालांकि गिरेगा तो नहीं, हमने बांध दिया उसको अच्छे से। ये कार तो अच्छी लग रही है, ग्रीन कलर की स्पोर्ट्स कार। तो फ्यूचर में हम लोग भी कुछ ऐसा ही बिजनेस वगैरह करेंगे और इसमें कार्स वगैरह का शोरूम वगैरह खोल लेंगे। फिलहाल में तो अभी इतना पैसा नहीं है, तो बाद में करेंगे। तो रास्ता तो काफ़ी लंबा है, फटाफट से चलते हैं, देखते हैं। Lonely old road, ain't it? Lonely? Hey, I couldn't say. I mean, not really. A road's a road. It ain't got abandonment issues. Truckers on the blacktop making do. I don't need to make do. I need to make snaps on these rides. Sure. Yeah, the time will come.
what happens before we get paid is what? Franklin's asleep. It's just me and you. What? What you trying to say? You want me to jack you off or something? Jesus, no. God, no. तो अभी यहाँ पर अंदर का सीन दिखाई दे रहा है, ट्रेलर के अंदर का काफी अच्छा सीन लग रहा है. Friendship? Right, whatever, man. It's just truckers are a symbol of this country. No part of its mythology, like cowboys, gangsters, hobos, gangbangers. Truckers are about the unsexiest myth I ever heard. तो अभी यहाँ पर फ्रैंकलिन तो सो गया है. Freedom. Loners in the night. और लेमर से ही बातचीत हमारी चालू है. Cut up women and get other dudes to jack them off. Come to think about it, aside from not lugging freight around the country, you got about all the necessary prerequisites for a fine career in hauling. No shame in that. If you don't want to get paid or enjoy human contact. Money's bullshit. So is friendship. All right, all right, all right. I see you still touching. How's Franklin doing over there? Aw, dude getting paid to sleep. Don't even worry about him. Sleep of innocence. So he like in charge on this one? You work for him? He's a kind of figurehead. A puppet, if you like. With Devin Weston's hand up his ass. Right up to the elbow. तो अभी जो ट्रेवर है वो बोल रहा है लेमर को कि जो फ्रैंकलिन है वो एक तरह से माइकल का पपेट बनकर काम करता है, क्योंकि जो ट्रेवर है वो अभी माइकल से काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि ट्रेवर ने एक तरीके से माइकल को अभी बहुत दिक्कत में डाल दिया है. वहाँ से ये तो आ गया और माइकल को तो चाइनीज़ जो बंदे थे, जो गैंग था, उसने पकड़ लिया था. तो पता नहीं उसका वहाँ पे क्या हाल हो रहा होगा, हमको आइडिया नहीं है अभी. पिछले एपिसोड में तो दिखाया था, तो अभी उसके बारे में हमको कोई हालचाल नहीं मिला है कि वो कैसा बन, अभी कहाँ पे और क्या कर रहा है, कैसा है वो. और ड्राइवर थोड़ा सा साइको बनता है. How you doing? Where? When? All right. Fuck. I was running a small air freight outfit in North Yankton. Tiny operation. It's one beagle I could borrow when I needed it. We were kids. Kids would play. So, this guy I know. तो अभी हम लोग आधा रास्ता तो हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है और आधा बाकी है. Money's good. And I don't know enough to check references, so I'm in. काफी लंबा रूट है. Later, I'm waiting on the runway. I see this dust. और ट्रेलर की स्पीड भी बहुत ज़्यादा कम है वो हिसाब से. तो ये काफ़ी बड़ी गाड़ी है और काफ़ी हैवी है, तो जाहिर सी बात है कि स्पीड तो कम रहेगी. Old guy falls out, starts yelling, waving his arms and pointing at the kid. The dude that got Jack? Who fucking knows? Fat guy's running. तो अभी हमारे पीछे पुलिस लग चुकी है और पुलिस ने हमको वार्न किया है कि तुम लोगों ने ये चोरी की जो गाड़ियां हैं वो तुम लेके जा रहे हो, तो अपना ट्रक रोको नहीं तो हम तुम्हें शूट करेंगे. लेकिन ड्राइवर कहाँ मानने वाला है, ड्राइवर तो भगाया जा रहा है अभी. चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी फ्रैंकलिन भी उठ गया है नींद से, तो फ्रैंकलिन अभी जा रहा है ट्रेलर पर और शायद वो किसी गाड़ी में बैठेगा. तो अभी हमको काफ़ी स्लो चलाना है, मूव करवाना है ट्रक को, ताकि ज़्यादा इसमें डिस्टरबेंस ना हो और माइकल गिर ना जाए, फ्रैंकलिन गिर ना जाए. पता नहीं मेरे मुंह से माइकल का नाम क्यों निकलता है बार बार. तो खैर अभी फ्रैंकलिन आ चुका है. ओके, तो इस गाड़ी में बैठ रहा है ये जिसमें गन्स लगी हुई हैं, तो अब कुछ होने वाला धमाकेदार. अब होगा धमाकेदार कुछ. तो हम लोग आ चुके हैं वापस से फ्रैंकलिन पर और फ्रैंकलिन ने अपनी भी जंप करवा ली है गाड़ी ट्रक से और सीधा इन पर फायरिंग करना चालू कर देते हैं हम लोग.
तो सीधा गाड़ी फोड़ दी, बंदा गया। टक्कर हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये गाड़ी काफी मजबूत है। ड्राइवर को शूट कर दिया है और हमने स्पाइस गिरा दी थी, तो पीछे वाली गाड़ियों के टायर पंचर हो गए थे, ये बच गया पता नहीं कैसे। चलो कोई नहीं, इसको हमने शूट कर दिया है, इसके ड्राइवर को भी। तो अभी मौली का कॉल आ चुका है और पुलिस भी हम भी जा चुकी है, क्योंकि हमने सारे पुलिस वालों को डाउन कर दिया है, अब कोई आगे है नहीं। तो मौली ने हमको बता दिया है कि हमको कहाँ पे आना है, तो सीधा वहीं पर जा रहे हैं अभी। और मौली का बोलना है कि यार बिना देर के वे पहुँचूँ, Hello, Franklin. Yeah, where Devin at? Somewhere meditating or ripping somebody off? In light of the drama your efforts caused, we felt it was not perhaps the best idea for you two to be seen together for a while. Where's the money? Mr. Weston is one of the most brilliant investors the world has ever known. He's obviously a maverick, but he's also rigorous in his research. Yeah, he may be brilliant. Look, let me be the first to tell you. He ain't gonna fall in love with your ass. Now where the fuck is my money? The best thing that could have happened to you in the situation has happened. He is going to hold your money, invest it in his alpha fund, and make the funds available to you. तो फ्रैंकलिन जो है वो इससे बोल रहा है कि हमारे पैसे हमको कब मिलेंगे, तो इसका बोलना है कि पैसे तुमको जब गाड़ी की डिलीवरी हो जाएगी और गाड़ी इनके कस्टमर तक पहुंच जाएगी और इनको पैसा मिल जाएगा, तब तुमको पैसा मिलेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पर ड्राइवर ने भी जो गाड़ी हमने उतारी थी उससे ट्रेलर से उसको लोड करके फिर से पहुँचा दिया है डेविन के पास में, तो अभी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा ये मिशन तो पूरा हो गया, तो अभी कोई नहीं। तो अभी लेस्टर को हमने कॉल लगा दिया है। तो लेस्टर का हमारे पास में कॉल आया था और लेस्टर ने बताया कि माइकल का पता नहीं चल रहा है और कुछ समय से माइकल का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन जो माइकल की लोकेशन है वो
वो लेस्टर को मिली है कि माइकल की जो लोकेशन है वो कोई फैक्ट्री के पास में है, तो डाउटफुल है कि माइकल क्यों नहीं फोन उठा रहा, क्या दिक्कत है। तो फ्रैंकलिन बोल रहा है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेस्टर बोल रहा है कि मैं तुमको एक ऐप भेज रहा हूँ, उस ऐप से तुम ट्रैक कर सकते हो लोकेशन के बारे में। हालांकि वो जो ऐप है वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं देगा, बट लेकिन ये है कि कुछ हद तक तुमको डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगा। तो फ्रैंकलिन ने कहा चलो ठीक है। तो मैप में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो फ़िलहाल तो अभी फ्रैंकलिन जा रहा है अपने घर पे अभी, तो कोई नहीं, घर पे जा रहा है फ्रैंकलिन अभी। और यहाँ पर ड्राइवर गाड़ियों को ड्रॉप करके यहाँ पे शराब पी रहा है। हालांकि शराब पीना हानिकारक है, शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन ये गेम है तो इसमें चल रहा है, ये पी रहा है। और ये शायद गाय के या फिर जानवरों के फार्म हाउस पे है। और एकदम नशे में चल रहा है अभी तो। चलो कोई नहीं, अभी चलते हैं सीधा फ्रैंकलिन के पास में, फ्रैंकलिन के घर पे। और फ्रैंकलिन तो पहुंच चुका होगा अभी तक तो अपने घर पे, क्योंकि ये रात हो चुकी है ऑलरेडी। तो अभी लेस्टर ने भी उस ऐप को दिया नहीं है अभी। फ्रैंकलिन को दिया नहीं होगा वो ऐप अभी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं लोकेशन पे, फ्रैंकलिन के घर के पास में। तो फ्रैंकलिन के यहाँ पे घर के बंदे हैं, ये लोग जॉगिंग के लिए जा रहे हैं अभी। लेकिन ड्राइवर तो पता नहीं क्या ही है, सबसे किसी से भी ढंग से बात नहीं करता है, और नशे में भी है एक तो। और ये उसने जंप किया लेकिन गिर गया, और फ्रैंकलिन हंसने लगा। ड्राइवर गुस्से में आ गया, ड्राइवर डांट रहा है अभी, ये कोई मजाक था। सही है। So fucking gotcha! Oh, fuck! No, I'm not funny. Fucking asshole! Oh, fuck! I had a difficult childhood. Damn, man, you all right? I'm just fucking on edge, you know. Look, I love you, right? But I would have just fucking. Look, man. Lester said you had some information for us about Michael. Michael, fuck Michael, I hope he's dead. Man, I know y'all two, man. Come on, man. You two had beef before, but what the fuck happened in North Yankton? Somebody pinched him, man. Who? My friend Ron met these Chinese assholes. They're from Yangshan in China. We had some problems. They mistakenly thought Michael was a human being and kidnapped him.
Yeah, and now it looks like they holding him somewhere in the city. Yes. Come on, bro. Well, go fuck yourself. You want that piece of shit, that's your fucking business, all right? He's dead to me, all right? And chances are, if and when I see him, he's gonna be dead to everyone else as well. Hey, come on, bro, don't do that. You're pushing your luck, pal. तो यहाँ पर ट्रेवर की फ्रैंकलिन से भी बात हुई कि कि माइकल कहाँ पर है, लेकिन ड्राइवर ने उन्हें बोला कि तुम जाओ, तुम ढूंढो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। इतने में भी लेस्टर कॉल लगा दिया था फ्रैंकलिन ने, और The irony isn't lost. I'm sending you an app for your phone. Lester बोल रहा है कि मैं वो ऐप भेज रहा हूँ तुम्हें, तो मैं उस ऐप से तुम पता लगा सकते हो कि वो कहाँ पर है। और यहाँ पर माइकल को लटका रखा है उल्टा इन चाइनीज के बंदों ने, शायद यही है मिस्टर फिलिप्स या फिर चैंग जो भी है। You're making a mistake. It costs a lot of money to track you down. I'd have coined every favor I could in the Midwest. And then you kill several good men. Good day, huh? Good day. Good fucking day to you! Kill him! Trevor Phillips isn't coming. तो यहाँ पे इसने बोल दिया है कि तुम इसको मार दो। अपने बंदों से बोल के चला गया। तो अभी यहाँ पर फ्रैंकलिन भी निकल चुका है ढूंढने के लिए। तो अभी लॉन्च करना है हमको वो ऐप ट्रैकिफाई ऐप, ये हमको लेस्टर ने भेज दिया था। तो इसमें लोकेशन दिखा रहा है थोड़ा साइड में, तो कोई दिक्कत नहीं, साइड वाइड और पकड़ लेते हैं रोड। स्ट्रेट जाना है, स्ट्रेट जाना है बेबी। सॉरी, टक्कर जोर से लगी होगी, सीधा ही जाना है बेबी। थोड़ा सा पास तो आ रहा है अब। ये नहीं है, ठीक है, तो आगे चल के चेक करते हैं। नहीं, ये नहीं है। How you getting? इसके बाजू वाला होगा फिर पक्का। यस, इसके बाजू वाला ही है, यही है, बस यही है। ये दोनों यहाँ बातें कर रहे हैं। हमारे पास में टाइम भी आधा हो चुका है। तो इन लोगों की बात हो रही है कि उसको वो मारने के लिए बात कर रहे हैं माइकल को।
क्योंकि फ्रैंकलिन ने भी एक गन निकाल ली अच्छी खासी। चलो ये सही है, उसमें सप्रेसर भी लगा हुआ है, शूट करते हैं। सीधा हेडशॉट, दोनों को डाउन कर दिया है। एक और बंदा आ गया, कोई नहीं। अब अगर आवाज़ होती है तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, अब घुस के मार लेंगे सभी को। कोई और बंदा भी है क्या? तो लगभग अभी सभी को डाउन कर दिया अंदर। चलते हैं अंदर फटाफट से और सभी को डाउन करते हुए चलते हैं पहले माइकल के पास। You got an old white dude that don't belong to you. Hey, hey, it's Frank. What he got you? Where you at, bro? So it's Michael. Now you die. Michael, you in here, man? भी फाइनली माइकल के पास में आ चुके हैं और माइकल बोल रहा है कि उसको एक पिस्टल दे दो। तो यहाँ पर फ्रैंकलिन ने पिस्टल दे दिया है माइकल को, तो माइकल भी हेडशॉट दिया जा रहा है सभी को। अभी कोई नहीं, अभी तो अब असली खेल शुरू हुआ है। Twice.
Where's Arden? Going out this way! Sorry, boys! This is my ride! We just looking to get out of here, man! तो फाइनली फ्रैंकलिन ने माइकल को निकाल लिया है बाहर और इन दोनों को भी उड़ा दिया है। तो अभी चलते हैं सीधा फ्रैंक माइकल के घर पे, माइकल को छोड़ने के लिए उसको सीधा घर पे ड्रॉप कर देते हैं, ताकि क्योंकि अभी माइकल की हालत बहुत बेकार हो चुकी है, बहुत ज़्यादा घायल है। तो फटाफट से चलते हैं और तो घर पहुंच गए हम लोग माइकल के। तो फिर अभी माइकल आ चुका है घर पे अपने, और यहाँ पे फ्रैंकलिन और माइकल की बात हो रही है, और फ्रैंकलिन माइकल से पूछ रहा है कि ऐसा क्या हुआ था ट्रेवर में और तुम में, और तुमसे क्या छिपा रहे हो, वही सब बता रहा है, समझाने का ट्राई कर रहा है फ्रैंकलिन को। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।